हरियाणा के जींद में रेलवे के स्टेशन मास्टर और चार परिजनों के खिलाफ शिक्षक पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि पति दहेज में क्रेटा गाड़ी मांग रहा है। ससुराल जन कुछ गलत गलत दवाई देकर उसकी मनोदशा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महिला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जींद के अबन एस्टेट निवासी ने पुलिस शिकायत में कहा कि वह जींद की एक संस्था के स्कूल में साइंस टीचर है। उसकी शादी 24 अक्टूबर 2020 को अबन एस्टेट निवासी अमनदीप के साथ हुई थी। वह रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है। शादी से पहले ससुरालजनों का व्यवहार ठीक था, लेकिन शादी नजदीक आते ही तेवर टेढ़े हो गए। कार्ड बंटने के बाद फर्नीचर की डिमांड आई, जिसे परिजनों ने पहले बनवा लिया था, जिस पर ससुरालजनों ने नाराजगी जताई। शादी में उसके परिजन स्विफ्ट गाड़ी देना चाहते थे, तो ससुरालजनों ने क्रेटा गाड़ी की डिमांड कर दी। मांग पूरी न होने पर उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया। उसकी मनोदशा खराब बताते हुए एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर उसे इंजेक्शन दिए गए। उसके हाथ तथा मुंह में छाले हो गए। दूसरी जगह इलाज करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि गलत दवाई दी गई है। महिला थाना प्रभारी गीता ने बताया कि नेहा की शिकायत पर पति अमनदीप, ससुर सतबीर, सास कमलेश, ननंद पूनम, ललिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, नशीली दवाई देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक नेहा नाम की लड़की है, नेहा डॉक्टर ऑफ राज सिंह अर्बन स्टेट जींद की लड़की है। इसने एक महिला थाना में दरखास्त दी थी हमारे पास, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। इसने बताया कि 24/10/2020 को मेरी शादी अमनदीप नाम के लड़के से हुई थी, जो यही जींद का रहने वाला है, स्टेशन मास्टर लगा हुआ है, और लड़की टीचर लगी हुई है। जिसने इसने लड़की ने बतलाया कि भी जो फर्नीचर वगैरह हमने दिया था इनको पसंद नहीं था। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहीं चाहिए थी, क्रेटा गाड़ी चाहिए थी। उस पर और फर्नीचर वगैरह दिया था, अभी हमारे इन लकड़ों की जरूरत नहीं है, बढ़िया फर्नीचर की जरूरत है हमें। इसलिए इनकी आपस में अनबन होगी, जो इन्हें दरखास्त दे दी, मुकदमा दर्ज कर दिया, तब 30,000। तो आपने जानकारी ली होगी सामने सामने ये यहाँ गाड़ी पर ज्यादा आ रहे हैं। अभी हमारा लड़का स्टेशन मास्टर लगा हुआ है, जिसमें हमें ये गाड़ी पसंद नहीं थी, हमें तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चाहिए थी। इस बार होटल को लेकर भी जिस तरह होटल का इसने कि एक भी हमारे ये होटल, हमने तो श्याम बाबा वाला जो होटल था, श्री श्याम वाला, उस होटल में शादी करनी थी, तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी है, ये होटल हमारे को पसंद नहीं था। जिस होटल में शादी? हाँ जी, ये पति, सास, ससुर और दो ननद। तो क्या कार्य करते थे मैम ये जो ये लड़की ने बतलाया कि भी जो हमारा सगाई से शादी तक 8 महीने का गैप रहा है, उस टाइम में हमारा अच्छा व्यवहार रखा। बीच में जब जब शादी नजदीक लगी, इन्होंने फिर हमारे साथ दूसरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिर भी हम शर्म के मारे ये थी कि लड़की भी हमारी शादी हो जाएगी, कोई इसी बात को नहीं, थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाएगा। तो मैम जिस तरह सुनी मैं शादी कार्ड बटने शुरू हो गई, तो व्यवहार चेंज होना शुरू हो गया। हाँ जी, क्या था मैम? जब ये कार्ड बटने शुरू हुए, इनका आपस में इनका थोड़ा थोड़ा व्यवहार चेंज हो गया। जिस गाड़ी को लेकर ज्यादा वारी थी कि हमारे को तो ये गाड़ी चाहिए थी। तो दहेज का मामला? दहेज का मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, 33,000 है। जैसी 33 होगी वैसी कार्रवाई।